आप देख रहे हैं दखल न्यूज। भारत को मिला शत्रु संहारक राफेल, देश भर में धूमधाम से मनाया गया दशहरा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की सरकार की तारीफ, मोदी सरकार को कठोर और बड़े निर्णय लेने वाली बताया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने साधा मोहन भागवत पर निशाना, कहा भागवत एकजुटता का पालन करें तो समस्याएं हल हों। मध्य प्रदेश सरकार ने मानी ट्रांसपोर्टर्स की चार मांगे, फिलहाल ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म हुई। और देवी विसर्जन के दौरान देवास में हादसा, 5 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। भारतीय वायुसेना के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा, अब राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन गया है। फ्रांस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहला राफेल लिया और शस्त्र पूजन किया। यह दशहरा वायुसेना के लिए खास रहा, वायुसेना के बेड़े में राफेल को शामिल करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मेरिनेक स्थित दसा एविएशन प्लांट पहुंचे और राजनाथ सिंह ने राफेल का शस्त्र पूजन किया। इस मौके पर राफेल के साथ भारत और फ्रांस के बीच रक्षा डील को लेकर ऐलान भी किया। राजनाथ सिंह की शस्त्र पूजा से ही राफेल फाइटर जेट मिल गया, लेकिन फ्रांस से हिंदुस्तान आने में अभी अगले साल मई तक का इंतजार करना पड़ेगा। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी इस खास लम्हे की गवाह बने। राजनाथ सिंह की फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों से भी मुलाकात हुई। इस अवसर पर एमैनुएल मैक्रों ने इस्लामिक आतंक के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने की बात कही है। भारत ने फ्रांस से कुल 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं और वो सारे फाइटर जेट 2022 तक हिंदुस्तान आ जाएंगे। सबसे पहले 4 विमान आएंगे और इसके बाद भी 4-4 की किस्तों में ही 32 विमान आ जाएंगे। इनमें से 18 राफेल अंबाला एयरबेस पर तैनात होंगे, जबकि बाकी 18 विमान पश्चिम बंगाल के हाशिमारा बेस पर हैं। विजयादशमी के मौके पर नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी सरकार की तारीफ की है। भागवत ने मोदी सरकार को साहसी फैसले लेने वाली सरकार बताया। भागवत ने कहा कि वर्तमान सरकार कठोर और बड़े निर्णय लेने वाली है। उन्होंने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को अप्रभावी करने का जिक्र करते हुए कहा कि यह मोदी सरकार के कठोर निर्णय लेने की क्षमता की वजह से ही हो पाया है। संघ प्रमुख ने कहा कि पिछले 5 सालों में सरकार के कामकाज पर जनता ने भरोसा जताया है, यही वजह है कि दोबारा भारी बहुमत से सरकार को चुना गया। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि देश में कुछ होने लगा है। हाल ही में इसरो द्वारा मिशन चंद्रयान 2 को लॉन्च किए जाने की भी आरएसएस प्रमुख द्वारा तारीफ की गई। उन्होंने कहा कि भारत के विज्ञान का दुनिया में भी अभिनंदन हो रहा है। भागवत ने कहा कि परिवर्तन कई लोगों को पसंद नहीं होता, देश में परिवर्तन हो रहा है जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा। हालांकि भागवत ने नसीहत भी दी कि आश्वस्त होकर लापरवाह नहीं बने। अभी तक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव को छूने का किसी ने साहस नहीं किया था, हमारे वैज्ञानिकों ने किया, पूरी सफलता नहीं मिली, लेकिन जितनी मिली वो भी सारी दुनिया का ध्यान आकर्षण करने के लिए और सारे विश्व में भारत के वैज्ञानिकता का, बौद्धिकता का प्रभाव जमाने में पर्याप्त थी और वो हुआ, सारी दुनिया ने अभिनंदन किया। इसके पूर्व कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वीके सिंह के साथ ही महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे थे। आरएसएस की ओर से आयोजित विजय दशमी कार्यक्रम में आईटी कंपनी एचसीएल के संस्थापक और अध्यक्ष शिव नाडर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही बड़ा निर्णय लेते हुए कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया था। इस निर्णय की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा तारीफ की गई। राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर निशाना साधा और कहा कि जिस दिन मोहन भागवत एकजुटता का संदेश देकर एकता का पालन करेंगे, उस दिन सारी समस्या खत्म हो जाएगी। उधर पूर्व जनसंपर्क मंत्री बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह चर्चा में बने रहने के लिए जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर बड़ा बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोहन भागवत जिस दिन महात्मा गांधी का रास्ता अपना लेंगे, उस दिन मॉब लिंचिंग जैसे सारे अपराध रुक जाएंगे। जिस दिन मोहन भागवत एकजुटता का संदेश और एकता का पालन करेंगे, उस दिन सारी समस्या हल हो जाएगी।
गौरतलब है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विजयदशमी के मौके पर नागपुर में कहा कि मॉब लिंचिंग शब्द पश्चिमी देशों से आया है, ये शब्द आरएसएस पर थोपा जा रहा है, हम एकता का पाठ पढ़ाते हैं। जिस दिन मोहन भागवत जी एकजुटता का संदेश देकर उसका पालन करने लगेंगे, सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, मॉब लिंचिंग भी खत्म हो जाएगी, नफरत भी खत्म हो जाएगी, प्रेम और सद्भाव और महात्मा गांधी का रास्ता अपना लेगी, उस दिन हमारी सारी शिकायतें समाप्त हो जाएगी। उधर पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह के पास कुछ नहीं है, वो चर्चा में बने रहना चाहते हैं, इसलिए मोहन भागवत के लिए ऐसा बोल रहे हैं। मोहन भागवत ने जो कहा वो सत्य है, दिग्विजय सिंह को एक बार बैठकर सोचना चाहिए। कांग्रेस ने जाति और भाषा के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की, मोहन भागवत देश में अखंडता के लिए मर मिटने का संकल्प दिलाने वाले व्यक्ति हैं। भागवत जी ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही है, दिग्विजय सिंह जी को स्वयं को अपने माइंड को सेट करके सोचना चाहिए कि इस तरह की विभाजनकारी और विघटनकारी बातें वो क्यों करते हैं। मुझे लगता है वो जानबूझकर ऐसा बोलते हैं क्योंकि अब उनके पास और कोई मार्ग रहा नहीं है चर्चा में रहने का। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ ट्रांसपोर्टर्स की बैठक के बाद शनिवार से चल रही हड़ताल खत्म हो गई है। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की मांग को सरकार ने मान लिया है। परिवहन मंत्री ने उनको आश्वासन दिया है कि वैट के लिए वे वित्त मंत्री को पत्र लिखेंगे। इसकी वजह से प्रदेश में हजारों की संख्या में ट्रकों और डंपरों के पहिए थमे हुए थे। बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन SN मिश्रा और उप सचिव आशीष भार्गव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ वार्ता विफल हो जाने के बाद मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्टर्स शनिवार से हड़ताल पर चले गए थे। हड़ताल के तीसरा दिन होते ही त्योहारी सीजन के चलते व्यापारियों में हड़कंप मच गया था और हर कोई कमलनाथ सरकार को कोस रहा था। ऐसे में तत्काल सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग कर उनकी 5 में से 4 मांगे मान ली हैं। इस मीटिंग में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और ट्रांसपोर्टर्स अधिकारी और प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद गोयल भी मौजूद रहे। इस हड़ताल में कई व्यापारी संगठनों ने भी समर्थन दिया था। ट्रक टैंकर के पहिए थमने से रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं की आपूर्ति पर कई जगह असर दिखने लगा था। इंदौर में भी ट्रांसपोर्टर व्यापारियों ने परिवहन विभाग के डिप्टी कमिश्नर संजय सोनी के सामने अपनी मांगे रखी थी। भोपाल की मीटिंग के बाद परिवहन मंत्री और ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी। पूरे देश के उद्योगों के लिए मध्य प्रदेश में स्थापित करने का है, उसमें हमारे ट्रक यूनियन की भी, ट्रक ऑपरेटरों की बहुत बड़ी अहमियत है और बहुत बड़ी भूमिका होगी। ट्रक वालों ने इस बात को समझा और जो इनकी मांग थी, खास करके एक मांग थी कि जो टैक्स है जो लाइफ टाइम हम ले रहे थे, आप इन लोगों का कहना है कि हम लाइफ टाइम भी लेने को तैयार हैं और उसमें एक्शन भी कर दिया जाए जो कि व्यवस्था पहले थी, उस व्यवस्था के लिए हम लोगों ने माना। जैसे रोड टैक्स था जो पहले जिस तरीके से चलता था वैसे ही चले, और जो हमने हमारी 4 मांगे थी वो भी मान ली। इसलिए वेट को लेके जो वित्त विभाग का मामला है, उन्होंने कहा संबंधित मंत्री को हम पत्र लिखेंगे और हम मांग करेंगे कि इनकी ये मांग को माना। लगातार जारी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का असर ई कॉमर्स कंपनियों पर भी पड़ा। मध्य प्रदेश से किए गए करोड़ों ऑर्डर कैंसिल हो गए। इस बीच इंदौर और आसपास के इलाकों में पेट्रोल की किल्लत होने का मामला सामने आया था। ट्रांसपोर्टर्स लगातार यह मांग कर रहे थे कि प्रदेश में ईंधन पर लगने वाले वैट को कम किया जाए। दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा मध्य प्रदेश में ईंधन पर ज्यादा वैट होने से बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। अब एकमात्र इस मसले पर भविष्य में चर्चा होगी और सरकार अपने कदम वापस नहीं लेती है तो एक बार फिर ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर चले जाएंगे। देवास जिले के सोनकच्छ में खजूरिया कनका तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। ये सभी बच्चे 13 और 14 साल के थे। ये बच्चे देवी विसर्जन के लिए गए थे और अचानक गहरे पानी में चले जाने से यह हादसा हो गया। सोनकक्ष से 7 किलोमीटर दूर खजूरिया कनका के तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि माता की प्रतिमा का विसर्जन के लिए ये बच्चे तालाब में गए थे, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि बच्चे तालाब में स्नान करने के लिए गए हुए थे। यह प्रतिमा विसर्जन करने के दौरान हुआ हादसा नहीं है। सभी की उम्र 13 से 14 वर्ष बताई जा रही है, जिसमें से 2 सगे भाई हैं। बताया जा रहा है कि अभी कुछ और बच्चे पानी में डूबे हो सकते हैं, जिन्हें तलाशा जा रहा है। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। घटना के बाद वहां मौजूद दूसरे बच्चों तुरंत इसकी सूचना ग्रामीणों को दी, जिसके बाद ग्रामीण यहां पहुंचे और बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों ने इस बात की सूचना पुलिस को भी दी,
जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों के शवों को अस्पताल ले जाया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर श्रीकांत पांडे, एसपी चंद्रशेखर सोलंकी शासकीय अस्पताल पहुंचे। दशहरे के त्योहार के दिन हुए इस बड़ी दुर्घटना से पूरे गांव में मातम छा गया है। बताया जा रहा है कि दूसरे बच्चों की सूचना के बाद ग्रामीण तालाब में उतरे और एक एक कर बच्चों की तलाश कर बाहर निकाला। अचानक दशहरे की खुशी गम में बदल गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल लालजी टंडन से अतिवर्षा और बाढ़ को लेकर चर्चा की। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में राज्यपाल से चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश को किसानों को मुआवजा और नुकसान की भरपाई के लिए 13,000 करोड़ की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में अतिवर्षा से काफी नुकसान हुआ है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की। कमलनाथ ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से भी इसे लेकर मिल चुका हूँ, प्रदेश को 13,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। राज्यपाल से भी इस विषय को लेकर लंबी चर्चा की गई। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की राज्यपाल पर टिप्पणी को लेकर कमलनाथ ने कहा, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है, इसमें सरकार का कोई मत नहीं है, राज्यपाल की कोई नाराजगी भी नहीं है, न कभी होगी। कमलनाथ ने कहा कि मैंने बाढ़ के साथ ही प्रदेश के बारे में बहुत सारी चर्चा राज्यपाल से की। राज्यपाल के माध्यम से केंद्र से पैसे की आवश्यकता को बताया गया है। ये सहमत थी कि मीटिंग नहीं थी, ये थी कि बाढ़ में क्या करा जाए, 13,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। मैंने उनके साथ ये भी मदद करें सरकार से। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे बीजेपी विधायक राहुल सिंह की कार ने 3 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस घटना में 3 युवकों की मौत हो गई। गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए। उसके बाद पुलिस ने विधायक राहुल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया। ग्रामीणों का कहना है, हादसे के वक्त विधायक राहुल सिंह खुद गाड़ी चला रहे थे और वे मौके से भाग गए। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ थाना क्षेत्र के पपावनी गांव के समीप बीजेपी विधायक राहुल सिंह की पजेरो जीप की टक्कर से 3 बाइक सवारों की मौत हो गई। घटना के बाद पीड़ितों के परिजनों और ग्रामीणों ने टीकमगढ़ छतरपुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे खरगापुर विधायक राहुल सिंह तेज गति से कार चला रहे थे और वो एक्सीडेंट करके भाग गए। घटना स्थल से विधायक लिखे होने वाले अक्षर भी टूटे हुए मिले। इसके बाद भाजपा विधायक राहुल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घटना के अनुसार रवि पुत्र नंदू अहिरवार, विजेंद्र और मदन अहिरवार बरेठी गांव जा रहे थे, तभी पपावनी गांव के मंदिर के पास पीछे से भाजपा विधायक राहुल सिंह लोधी के वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। इससे रवि अहिरवार और विजेंद्र अहिरवार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और एक अन्य बाइक पर सवार मदन अहिरवार को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। झांसी में इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। मृतक रवि के परिजनों को एक्सीडेंट की खबर मिली तो उन्होंने चक्का जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि विधायक खरगापुर की पजेरो जीप द्वारा बाइक को टक्कर मारी गई और वे ही गाड़ी चला रहे थे। जब भीड़ लगी, जब हमको अपने दीवार रखे थे तो वहाँ से पता लगा कि एक्सीडेंट हुआ, तो आदमी काफी जुड़ गए थे। हाँ। तो हम भी आ गए, देखो तो पुलिसमान की गाड़ी आ गई। इसके बाद में पुलिस वाले बोले कहने इस गाड़ी में रखवा दो, कई गाड़ी में रख लो तो गाड़ी में रख लो। इसके बाद थे आगे 108 इस घटना से नाराज परिजनों ने शवों को पीएम के लिए ले जाने से इनकार कर दिया। मौके पर एसडीएम विकास आनंद व प्रभारी तहसीलदार कमलेश कुशवाहा ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। ग्रामीण विधायक के मौके से भागने से बेहद नाराज थे। पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला भी घटनास्थल पर पहुंचे और कहा कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए और मृतकों के परिजनों को न्याय मिलना चाहिए। इसके बाद विधायक के नाम से दर्ज पजेरो जीप लेकर चालक विजय यादव सिटी कोतवाली पहुंच गया, जहां पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेते हुए गाड़ी को थाना परिसर में रखवा लिया। बलदेवगढ़ टीआई ब्रजेश कहार ने बताया कि विधायक राहुल सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। खरगापुर विधायक राहुल सिंह ने कहा कि मैं फुटेर गांव में सुबह से ही कार्यक्रम में था, मुझे विरोधियों द्वारा साजिश कर जबरन फंसाया जा रहा है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक,
ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, दशहरे का पर्व हमें सिखाता है कि अपना जीवन अन्याय के खिलाफ जियो। उन्होंने कहा कि यही हमारे हिंदू धर्म की खूबी है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। कांग्रेस नेता और ग्वालियर रियासत के प्रमुख ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पारंपरिक तरीके से दशहरे का पर्व मनाया। उन्होंने कहा, दशहरे का यह पर्व बहुत कुछ सिखाता है। अपने जीवन को जियो तो सत्यता के आधार पर जियो, अपने जीवन को जियो तो अन्याय के खिलाफ जियो। अपने आसपास अन्याय देखते हैं लेकिन आवाज नहीं उठाते, यह हमारा धर्म नहीं कहता। हमारा धर्म अन्याय से लड़ना सिखाता है। ये महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, समस्त जनता के लिए, इस क्षेत्र के लिए। दशहरा हमारे लिए केवल एक त्योहार नहीं, दशहरा हमारे लिए केवल एक धार्मिक महत्व का दिवस नहीं, लेकिन उस दशहरे के मूल्य और सिद्धांत को हमें अपने जीवन में दिन प्रतिदिन उन मूल्य और सिद्धांतों को अपने आत्मा के समक्ष रखकर अपने जीवन का पूरा पूरा योगदान हमें अपने जीवन में करना। दशहरे पर सिंधिया ने परंपरागत पूजन किया। सिंधिया छतरी रामलीला मैदान भी पहुंचे और भगवान श्री सीताराम जी की आरती में शामिल हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया, पुत्र महाआर्यमन सिंधिया और पुत्री अनन्या राजेश सिंधिया भी थी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक नक्सली मारा गया और एक जवान शहीद हो गया। यह मुठभेड़ उस वक्त हुई जब सुरक्षा बलों की सर्चिंग पार्टी पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। बस्तर संभाग स्थित झीरम घाटी में नक्सलियों ने 2013 में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में शामिल नेताओं पर हमला किया था। इस हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला, नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा सहित 32 लोगों की जाने गई थी। एनआईए के अधिकारियों ने बताया कि कुख्यात नक्सली देवजी और गणेश उइके पर 7-7 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। दोनों नक्सली नेता दंडकारण्य क्षेत्र में सक्रिय हैं और झीरम कांड के मास्टरमाइंड माने जाते हैं। एनआईए ने नक्सलियों के काम, उपनाम और पते का जिक्र भी किया है। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा के सोमा सोढ़ी, बारसे सुक्का, जयलाल मंडावी, भगत हेमला उर्फ बदरू, सप्पो हुंगा पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। 3 नक्सलियों पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। इनमें तेलम आयतु, बदरू मोडियम और कुरसम सन्नी शामिल हैं। यह तीनों बीजापुर जिले के हैं। 9 नक्सलियों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। इनमें बस्तर के कामेश कवासी, बीजापुर के कोरसा सन्नी, लच्छी मोडियम, सोमा पोटाम मोडियम, रमेश कोरसा, लखू सरिता, केकम कुम्मा, गोंदे और मंगली कोसा हैं। 50-50 हजार का इनाम दंतेवाड़ा के मड्डा मड़कामी और सन्नू बेटी पर घोषित किया गया है। एनआईए ने जानकारी देने के लिए रायपुर में पदस्थ एसपी का नंबर भी जारी किया है। मौलश्री बिहार स्थित एनआईए कार्यालय में सीधे जानकारी दी जा सकती है, साथ ही दिल्ली कार्यालय में भी जानकारी भेजी जा सकती है। एनआईए के इनाम घोषित करने के साथ ही जांच में भी तेजी लाई गई है। दशहरा के मौके पर पुलिस अधिकारियों ने शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम में अधिकारियों ने हर्ष फायरिंग की। कानून का पालन करने वाले हर्ष फायरिंग कर खुद नियम कानून तोड़ रहे हैं। एक कहावत है कि सैया बने कोतवाल तो डर काहे का। यह कहावत छतरपुर पुलिस पर ठीक बैठती है, क्योंकि जिस हर्ष फायरिंग पर प्रशासन की रोक है, वही रोक पुलिस के अधिकारी खुद तोड़ रहे हैं। दशहरा पर पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों ने शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा। आयोजन में डीआईजी अनिल माहेश्वरी सहित एसपी और एडिशनल एसपी शामिल हुए और फिर शस्त्रों की पूजा की गई। इसके बाद बाहर आकर सभी ने सार्वजनिक स्थान पर खड़े होकर बारी बारी से हर्ष फायर किया।
गौरतलब है कि हाल ही में हर्ष फायरिंग में एक युवक की मौत हो चुकी है, वहीं दूसरी एक घटना में बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री की गोली लगने के बाद उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। कानून का पालन करने वाले परंपरा के नाम पर कानून का उल्लंघन कर कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। तरह के दिन शस्त्र पूजा होती है और इसमें जिले में पदस्थ सभी अधिकारी कर्मचारी को तो आमंत्रित किया जाता है और उसी परंपरा के रूप में आज शस्त्र पूजा रखी गई थी। टीकमगढ़ के चकरा से गायब हुए युवक मयंक खरे को पुलिस अब तक तलाश नहीं पाई है। आशंका जताई जा रही है कि युवक का अपहरण किया गया है। हिंदू संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुलिस दो दिन के अंदर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती तो वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। टीकमगढ़ के चकरा से गायब हुए 28 वर्षीय युवक मयंक खरे का पुलिस अब तक पता नहीं लगा सकी है, जिसको देखते हुए हिंदू संगठनों ने धरना और हड़ताल की चेतावनी दी है। संगठन का कहना है कि वो पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और अगर दो दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। बताया जा रहा है कि चकरा निवासी इशाक खान भी उसी दिन से गायब है। आशंका जताई जा रही है कि युवक मयंक का अपहरण किया गया है। इशाक की कार बरामद की गई है जिसमें खून के निशान मिले हैं, जिसे पुलिस ने जांच के लिए भेज दिया है। हिंदू संगठनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जांच को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। दशहरा है, कोई भी ऐसी कोई अप्रिय स्थिति ना बने शहर में, तो परिवारों को उन्होंने हिम्मत बांध के और हम सब लोगों ने भी तय किया कि पुलिस को अपन आज और कल दो दिन का समय दिया है। दो दिन पुलिस यदि खुलासा या जो भी घटनाक्रम है वो सामने लाती है परसों सुबह 10 बजे तक तो ठीक है, नहीं आती तो उनके परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं गांधी चौराहे पे 9 तारीख को सुबह 10 बजे धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल में बैठेंगे। हम उनके परिवार का पूरा साथ देंगे और चाहे गिरफ्तारी हो, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे भूख हड़ताल जो भी करना पड़ेगा हम लोग साथ हैं उनके पास। उधर पुलिस का कहना है कि वो जांच के करीब है, जल्द ही केस को सॉल्व कर लिया जाएगा। जितने संदिग्ध हैं उनके ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है, जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। उत्तर छत्तीसगढ़ के राजपुर क्षेत्र में उत्पात मचाने के बाद 15 हाथियों का दल प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में प्रवेश कर गया। हाथी बस्ती के पास पहुंचे तो गाँव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीण एकजुट हुए और एक सुर में हल्ला मचाना शुरू किया। इससे हाथियों का झुंड डरकर बिना कोई नुकसान पहुंचाए निकल गया। ग्रामीणों ने बताया कि हाथी जिस रूट से आगे बढ़ रहे थे उसके अगल बगल में रहने वाले लोग घर छोड़कर भाग निकले। हाथियों ने बस्ती के किनारे खेतों में डेरा डाल दिया था। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण हल्ला बोलकर हाथियों को असुरक्षित तरीके से खदेड़ने के प्रयास में लगे रहे। इस नजारे को देख वन विभाग का अमला भी सकते में आ गया था, लेकिन इस घटनाक्रम में कोई जनहानि नहीं हुई, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। हाथियों ने पुनः राजपुर वन परिक्षेत्र में प्रवेश करने की संभावना को देखते हुए सीमावर्ती गांवों में अलर्ट कर दिया गया है। वन विभाग के मैदानी कर्मचारी हाथियों की निगरानी में लगे हुए। लगभग 15 दिनों तक सैटेलाइट कॉलर आईडी लगे हाथी के दल ने राजपुर रेंज में उत्पात मचाया था। कोशिश की जा रही है कि जिस रूट से हाथियों का दल राजपुर रेंज में घुसा है उसी रूट से उन्हें वापस ले जाया जाए। इस अभियान में सफलता तो मिल गई, लेकिन हाथियों का दल अभी भी राजपुर और सीमावर्ती प्रतापपुर रेंज के गांव में ही है। भगवान राम की रावण पर विजय का उत्सव धूमधाम से पूरे देश में मनाया गया। कहा जाता है कि भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। देवी दुर्गा ने 9 रात्रि और 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। दशहरा का पर्व सत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इससे विजयादशमी उत्सव भी कहा जाता है। पूरे प्रदेश में जगह जगह रावण का पुतला दहन किया गया और आतिशबाजी हुई। पुलिस ने व अन्य लोगों ने शस्त्र पूजा की और नए कार्य को प्रारंभ किया। प्रदेश में कई जगह मेले लगे, रामलीला का आयोजन हुआ और राम ने रावण का पुतला दहन किया। विजयादशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाता है, साथ ही दुर्गा पूजा के समापन के बाद प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम शुरू हो गया है। यह शक्ति पूजा का पर्व शस्त्र पूजन लोगों ने हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है, शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसीलिए दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सब प्रेरणा प्रदान करता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज़, दखल आपके हक में।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।